थोर के दिन पूरे करती है हमने, जो आज थोर का 13वां दिन है, और उसके लिए मैं, क्योंकि ये कोई मीठा तो हम बना नहीं सकते, इसके लिए मैंने अंडे, स्ट्रीडो के लिए अंडे हैं और फीड और बिस्किट वहाँ पे हैं, क्योंकि हम जब से थोर गया है तब से हम बाहर घूमने नहीं जा सके, तो उसके लिए हमने कल ही शुरुआत करी है कि देखते हैं कुछ अगर हमारे से निकले, क्योंकि हमारी मटकी के बगैर हमारी जिंदगी सुबह की जब उठते थे शुरुआत हमारे थोर के साथ होती थी, और सोते थे रात तो गुड नाइट भी हमारी मरी मटकी के साथ ही होती थी, और उस बच्चे की याद को हम नहीं भूल सकते। उस बच्चे को हमने एक नियम बनाया है, जब सुबह उठता था थोर तो रचित के पापा सुबह बादाम खाते थे, तो वो पहले सबसे पहले एक बादाम थोर खाता था, क्योंकि जो बादाम अच्छे नहीं होते डॉग के लिए, पर उस बच्चे को हमने बचपन से मतलब ट्रीट के रूप में हमने बादाम दिए थे जब बहुत छोटा था ये, उसको जब हम ट्रेनिंग देते थे, इसलिए उसका एक नियम था कि हम मैं ही कहती थी इनको कि एक बादाम कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसके गले तक भी नहीं पहुंचना, और वो इतना संतुष्ट हो जाता था, इतना खुश होता था। तो वही नियम हमने आज 13 दिन हो चुके हैं हम पुगा रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। थोर की जो समाधि है उसके ऊपर डेली हम सफाई करते हैं, और एक बादाम हमारी मटकी का सुबह जाता है वहाँ पे, और खुशी इस बात की है कि वो किड़िया गिलहरी पीछे उसका सारा खा लेती है, और एक हमारा ये, और जहाँ तक पुगेगा अब पुगावांगे, तीन चार महीने के बाद वहाँ पर हम थोर के नाम का एक फ्रूट का पौधा लगावांगे थोर के ऊपर, वो चीज़ भी दिखाएंगे। थोर हमेशा हमारे साथ रहेगा, हर चीज़ हमारी उससे शुरू होती है, वह हमारा छोटा बेटा था, उसके बगैर हमारे जीवन बिल्कुल अधूरा हो चुका है, क्योंकि रचित बाहर गया, बानू भी बाहर गई, और जो नीचे रचित के अंकल आंटी थे वो भी बरवाड़ा चले गए, फिलहाल हम बिल्कुल अकेले रहते हैं, और सोच सकते हो हमारा एक बच्चा जो जीने का सहारा था वो भी भगवान ने लिया हमारे से, तो लाइफ हमारी अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन क्या करें, उसके बगैर जीना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ चला गया कोई आज तक वापिस आया नहीं, तो हमारी मटकी हमारे दिलों में जिंदा रहेगी, उसकी हर चीज़, हर एक्टिविटी, हर कुछ उसका है, और उसकी याद में जो जो हम बनाएंगे आपको दिखाएंगे। अभी हम एक फोटो बनवा के ले आए उसकी, और वो ये रखी है, ये उसी दिन उससे अगले दिन ही और भी फोटो हमारे घर पे आ गई थी, जो इधर से इधर मेरी हेलो बैठी है, इधर हेलो बैठी है इसके बीच में हमारे, और इधर थोरी बैठे हैं, और हेलो की फोटो भी हमारी पहले से बनाई हुई है, हमारी हेलो यहाँ बैठी होती है। मुझे कभी ये नहीं लगता कि हेलो मेरे साथ नहीं है, जब भी मैं घर में घुसती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरे को देख रही है, इधर खुदक रही है, वो कर रही है, और अब हमारी दिनचर्या ये है कि टीवी पे हमेशा मेरे थोर के रहला के ही ब्लॉग चलते रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं जीने की, धीरे धीरे उभरेंगे इस गम से भी, और आप लोगों से भी यही दुआ करते हैं कि जो थोर से प्यार करता है उसको बहुत अच्छी यादों में रखना, उसको बुलाना मत, और आपको थोर की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। यहाँ पे रखता हूँ मैं एक बादाम, और ये बादाम आके कीड़ी खा लेती है, या गिलहरी खा लेती है, या कीड़ी खा लेती है। ये थोर का फीड है, और ये थोर की, ये रेंज सारा थोर का ही था, थोर की ट्रीट है, थोर के बिस्कुट है, ये सारा थोर का है, तो थोड़ा थोड़ा करके ये स्ट्रीट डॉग को देते रहेंगे। सारे साथ में रहते थे, सारे खेलते थे, ये देख, चलो 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 चलो, भागो 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 भागो, चलो ठीक ठीक ठीक, चलो ये थोर के साथ खेलते थे सारे, चलो इनको अंडे, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं।
देख नहीं रहा है या नहीं।